मैं जानता हूँ दोस्त तू बहुत परेशान है, मैं जानता हूँ दोस्त तू बहुत परेशान है, लेकिन धैर्य रख मेरे दोस्त, इस धरती पर हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। दोस्तों इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, मुझे पता है दोस्त इस वीडियो में 95% लोग किसी न किसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं दोस्त, किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि दोस्त मुकेश वा का वीडियो वही लोग देखते हैं जो लोग किसी न किसी समस्याओं से सामना कर रहे हैं, किसी न किसी समस्याओं से उलझ रहे हैं। दोस्त देखिए, हर किसी के ज़िंदगी में, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। दोस्त हम इंसान हैं तो हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई समस्या आती जाती रहती है दोस्त। लेकिन दोस्त समस्याओं से हमें घबराना नहीं है दोस्त, क्योंकि समस्याएँ हमेशा के लिए नहीं आती है दोस्त। समस्याएं आती हैं कुछ टाइम के लिए, और आती भी हैं तो कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाती हैं। इसलिए दोस्त समस्याओं से घबराना नहीं बिल्कुल, बल्कि समस्याओं से लड़ना सीखिए। कोई भी समस्या हमारे ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर हमेशा के लिए नहीं आती है, आती भी है तो कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, और आती है तो जाती भी जरूर है। लेकिन दोस्त उसके लिए हमें लड़ना होगा, समस्याओं से घबराना नहीं होगा दोस्त, हमें लड़ना चाहिए समस्याओं से, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि समस्या आई है तो उसको जाना भी है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, बहुत सारे लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि साजन भाई मुकेश बाग दरबार कब खुलेगा, कहाँ खुलेगा, कहाँ पे बन रहा है, पूरी जानकारी दो। यार भाई लोग मतलब इतना ज़्यादा आप लोग कॉल कर रहे हैं यार कि मैं कैसे रिसीव करूँगा, किसका किसका कॉल रिसीव करूँ, दिन भर लग जाएगा हमें कॉलें रिसीव करने में। तो दोस्तों आप लोग कॉल ना कीजिए दोस्त, प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी मतलब मुकेश बाग के भक्तगण श्रद्धालु वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन है यार आप लोग कॉल ना कीजिए। जो भी नया अपडेट आएगा, नया जानकारी आएगा, यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो आप नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको टैप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके रखेंगे ना तो कोई भी वीडियो आएगा आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों बस आप लोग से मतलब देखिए, आप लोग इतना कॉल करेंगे तो कोई रिसीव नहीं कर पाएगा दोस्त, अगर मेरे जगह पर कोई दूसरा भी रहता ना तो रिसीव नहीं करता। इसलिए दोस्त बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा था, इसीलिए सोचा कि फिर एक वीडियो में बता देते हैं कि मुकेश बाग का दरबार कब खुलेगा, कहाँ खुलेगा और कैसे बनेगा। तो दोस्त मुकेश बाग का जो दरबार है ना बन रहा है, तमाम मतलब उसको काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, बहुत जल्द दोस्त बनाया जाएगा। अब देखिए कोई भी अगर आपको मतलब यूट्यूब पे बता रहा है कि इतना तारीख को खुल जाएगा, मतलब इतना तारीख को खुलेगा, तो बात मत मानिए दोस्त, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। अगर हम भी यहाँ पे आपको बोले कि मतलब इतना तारीख को खुल जाएगा तो ये 100% सही नहीं हो सकता है दोस्त, क्योंकि दोस्त 100 मतलब बिल्कुल सही जानकारी अभी तक नहीं मिला है कि मतलब कहाँ पर दरबार खुलेगा। 99% चांस है कि दरबार 10 से 20 दिन में खुल जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि 10 से 20 दिन में दरबार खुलने का पूरा चांस है दोस्त, 99% चांस हमको दिख रहा है। बाकी मैं 100% नहीं कह सकता दोस्त कि इतना तारीख को खुल जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आप मैं बोल दिया और उस दिन नहीं खुला तो फिर आप लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हो। इसलिए दोस्त तमाम तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे खुल रहा है, वहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे बन रहा है, मतलब तमाम तरह के फेक वीडियो। लेकिन मैं किसी को फेक नहीं कहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि दोस्त मैं बोलूँगा तो लोगों को मतलब बुरा लग जाएगा, क्योंकि हर लोग वीडियो देखते हैं हमारा। और दोस्तों जितने मुकेश बाग के भक्तगण हैं, श्रद्धालुगण हैं, दोस्तों जैसे आप लोग इतना दिन से इंतजार करते आए हैं, बस 10 से 20 दिन और इंतजार कर लीजिए, मतलब बहुत जल्द दोस्त खुल जाएगा। काम लगा है काफ़ी फैलाव एरिया में, काफ़ी अच्छा जगह पे काम लगा है आश्रम बनाने के लिए। तो आप लोग टेंशन ना लो यार, जो भी खुलेगा ना तो आपको साजन भाई आपका आपके चैनल पर ही बताएगा, इसी चैनल पर आप लोग को अपडेट मिलेगा। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को जो वहाँ पर लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब करके जरूर रखिए दोस्त, सब्सक्राइब करके रखेंगे ना तभी वीडियो पहुंचेगा, आप लोगों को फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आएगा जानकारी कि मतलब दरबार खुल गया या दरबार का इतना तारीख को उद्घाटन है, कंफर्म जानकारी आएगा सबसे पहले यूट्यूब पे बता दिया जाएगा, आप लोगों को टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्त। अगर आप लोग देखिए, मैं आप लोग के प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ दोस्त, आप लोग काफ़ी कष्ट में हैं, काफ़ी परेशानियाँ में हैं, मुझे मतलब मैं आप लोग की परेशानियों को समझ रहा हूँ दोस्त। दोस्त परेशानियाँ सबके पास है, कौन इस दुनिया में कौन बिना परेशानियाँ का है, चाहे वो कोई भी हो दोस्त, परेशानियाँ हर किसी के साथ होती है, बट हमें हार नहीं मानना है, हमें उसे लड़ना है दोस्त। ये प्रॉब्लम्स दोस्त प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम दोस्त, कोई भी समस्या परमानेंट के लिए नहीं आता है हम लोगों के पास, वो आता है कुछ टाइम के लिए, और आता है तो कुछ सिखा कर ही जाता है दोस्त। मतलब समस्याओं का भी आना जिंदगी में, लाइफ में बहुत जरूरी है, वह समस्या ही हमें सिखाता है ताकि ज़्यादा बड़ गलती ना हो जाए दोस्त, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारे ज़िंदगी में हमेशा लगातार आते जाते रहते हैं, और आते हैं तो दोस्त कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। और प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम से सीखना चाहिए, लड़ना चाहिए दोस्त, तभी हाल है। मतलब घबराएं, टेंशन लें और सब तमाम तरह का फिक्र करने से दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। समस्याएँ हैं तो उसे लड़ना है, उससे उसका सामना करना है, घबराना नहीं है दोस्त,
इंसान है हम लोग, इंसान है तो यार हम लोग किसी से हम लोग को क्या डरना है, हम लोग तो भाई समस्या तो हम लोग पर आएगी, इंसान है तो समस्या तो आना तय है, बट हार मानना गलत बात है, किसी भी समस्या से हार नहीं मानना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये एक बात याद रखिए दोस्त, कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम परमानेंटली के लिए नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, आता है कुछ टाइम के लिए, हमारा परीक्षा लेता है, हमको देखता है कि मैं कितना हम लोग लड़ते हैं, इसलिए दोस्त समस्याओं से लड़ना सीखिए, उससे हार मत मानिए दोस्त। दोस्त लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि किसी भी समस्या से घबराइए मत दोस्त, सब समस्या आई है तो उसको जाना है, आप समस्याओं से घबराइए नहीं बल्कि उसे लड़ना सीखिए, और आपका भी समस्या है तो जरूर जाएगा, और मुकेश सभा का दरबार जो है 10 से 20 दिन के अंदर खुलेगा दोस्त, ये नहीं कहता कि मतलब कल खुल जाएगा परसों दिन खुल जाएगा, क्योंकि हमको सही जानकारी देना है, इसलिए 10 से 20 दिन का और इंतजार कीजिए, खुल जाएगा तो आप लोग को सबसे पहले जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।